पति और पत्नी एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। उनकी एनिवर्सरी थी और कई लोग उनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए उनके घर आए हुए थे। इतने लोगों के बीच दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बात कब बिगड़ने लगी किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मजाक एक दूसरे की बेइज्जती तक आ गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। आए हुए बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, उल्टा सब हंस रहे थे। लेकिन जब हद पार हो गई और पत्नी ने यह कह दिया कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने, तो सन्नाटा सा छा गया। पति निशब्द हो गया, जो पास में हंस रहे थे सब एकदम से चुप हो गए। इस पूरी शांति के बीच एक महिला सामने आई। वो महिला उस पत्नी की ही सहेली थी। पति का नाम राज और पत्नी का नाम रिया था। सहेली ने रिया का हाथ पकड़ा और एक बोर्ड के पास लेकर गई और पेन मारकर हाथ में दे दिया। रिया ने सहेली से पूछा, ये क्या है और मुझे इधर क्यों लेकर आई हो, मुझे कुछ लिखना है क्या? सहेली ने जवाब दिया, हाँ, एक काम करो, तुम कोई भी 15 ऐसे नाम लिखो जो तुम्हारे सबसे करीब है। रिया ने नाम लिखने शुरू किए, माता पिता, सास ससुर, पति, बेटा, अन्य रिश्तेदार और कुछ खास दोस्तों के नाम लिख दिए। अब सहेली बोली कि इनमें से 5 ऐसे नाम काट दो ये सोचकर कि ये लोग तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। रिया ने दोस्तों के नाम हटा दिए। हटाते हटाते उसके माथे पर चिंता की लकीर थी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। इस बार सहेली बोली कि ठीक है, अब एक काम करो, 4 नाम और हटा दो। पूरा माहौल बदल गया, सबके चेहरों पर टेंशन कि आखिर ये हो क्या रहा है। रिया ने रिश्तेदारों के नाम हटा दिए, अब बचे सिर्फ माता पिता, सास ससुर, पति और बेटा। सबकी नजरें बोर्ड पर कि आगे क्या होने वाला है। अब रिया से कहा गया कि ठीक है, अब तुम 2 नाम और हटा दो। इस पर रिया को दिल में घबराहट हुई कि अब किसका नाम हटा सकती हूँ, क्योंकि सब अपने हैं। लेकिन सहेली के कहने पर 2 नाम हटाने थे, तो भावुक चेहरे और माथे पर पसीने के साथ उसने सास और ससुर का नाम हटा दिया और बोली कि उन माँ बाप का नाम मैं नहीं हटा सकती जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, प्लीज मुझे माफ करना राज। राज ये सब देख रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। आगे सहेली बोली कि अब बचे माता पिता, पति और बेटा, अब एक काम करो, 2 नाम और हटा दो। रिया ने रोना शुरू कर दिया कि एनिवर्सरी का दिन है और ये सब क्या करवाया जा रहा है। लेकिन सहेली बोली नाम हटाने पड़ेंगे। बोर्ड की तरफ देखा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा ये सोचकर कि ऐसे कैसे किसी का नाम अब काट सकती हूँ। लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने माता पिता का नाम हटा दिया और बोली कि मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। सहेली बोली, रिया रोना बंद करो, उठो। राज भी थोड़ा भावुक हो चुका था, बाकी सब लोग निशब्द। अब सहेली बोली, बोर्ड पर पति और बेटा है, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। रिया, यदि इन दोनों में से एक का नाम हटाना हो तो वो कौन होगा? रिया की आंखों से आंसू बह रहे हैं कि प्लीज ये सब बंद करो। लेकिन सहेली नहीं मानी और बोली, उठो रिया और एक नाम हटाओ। 15 मिनट सोचने के बाद रिया ने आंखों में आंसुओं के साथ अपने बेटे का नाम हटा दिया। राज देखता रह गया, सब लोग शॉक कि रिया ने ये क्या कर दिया, एक माँ अपने बेटे का नाम कैसे हटा सकती है, आप भी यही सोच रहे होंगे। तब सहेली ने रिया से पूछा कि ऐसा क्यों किया, एक माँ होकर अपने बेटे को ठुकरा दिया और पति को चुन लिया, ऐसा क्यों किया तुमने? तो रिया बोली कि माता पिता, सास ससुर आज नहीं तो कल भगवान के पास चले जाएंगे, क्योंकि वो सब बड़े हैं और कुदरत का नियम है, जो आया है उसे जाना ही है। और बेटा शायद अपनी शादी के बाद मुझसे अलग हो जाएगा, हो सकता है मुझे आश्रम भेज दे, हो सकता है मेरी सेवा करे, या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे घर से निकाल दे, क्योंकि आजकल की जनरेशन का क्या भरोसा। रोते रोते राज के पास गई और बोली कि इन सबके बीच राज, जो मेरा पति है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और आखिरी सांस तक मेरा साथ देगा और मेरी रक्षा करेगा, मेरी देखभाल करेगा, मेरी हर जरूरत वही पूरी करता है, मेरी हर जिद भी वही पूरी करता है। राज की आंखों से कब आंसू गिरने लगे उसे पता ही नहीं चला। पूरा माहौल बदल गया, जितने भी लोग उधर मौजूद थे सब रोने लगे। सहेली बोली कि जिस पति से इतनी उम्मीदें हैं, उसी पति की औकात की बात तुमने सबके सामने की। रिया जोर से रो पड़ी और राज से माफी मांगी। राज ने भी रिया से माफी मांगी। उस दिन दोनों को एक दूसरे की कीमत का एहसास हुआ। ऐसी एनिवर्सरी शायद पहले किसी ने नहीं मनाई होगी। सहेली ने रिया को सही रास्ता दिखाया और शायद एक परिवार को ये सिखाया कि परिवार क्या होता है। बाकी सब तो सिर्फ उनके झगड़े का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी परिवार का भला होगा तो प्लीज शेयर कीजिए।
और ऐसी इमोशनल कहानियों के लिए इमोशनल वीडियो स्टोरीज पेज लाइक कर दीजिए।